तो भाइयों कैसे आप लोग। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना जिम टूर या फिर कह सकते हैं जितनी भी इक्विपमेंट मेरे पास है वो, एंड बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपना सेटअप कर सकते हैं काफी डिसेंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करना होगा। एंड मैं शेयर करूंगा कुछ बाइसेप्स स्टेप्स जो कि मैं फॉलो करता हूँ बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए या फिर साइज इंक्रीज करने के लिए। सो या तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं ये पूरा सेटअप है जिम का, एंड ये काफ़ी देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो अगर स्टैंड की बात करूँ तो इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 7.5 feet, एंड इससे काफ़ी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा नहीं है ये। एंड मुझे आज इसमें मैट फ्लोरिंग करनी है एक तरीके से, इस पर यानी मैट बिछानी है। तो लेट्स सी कैसे जाता है ये। एंड इसमें मैं प्रीटी मच यहाँ तक बिछाऊंगा ये इस तरीके से, जहाँ तक स्टैंड का ये पैर आ रहा है तो यहाँ तक बिछेगा करीब ये। और ये मेरे ख्याल से 120 square feet है, तो आई थिंक मैंने जो जितनी मैट ऑर्डर की है उस हिसाब से ये हो जाए। सो या लेकिन उससे पहले हमें इसकी सफाई करनी है। शेयर करूंगा आगे बाइसेप्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं अपने वर्कआउट में। सो या सो गाइस वेलकम टू द वीडियो। तो मैं शेयर करने वाला हूँ बाइसेप्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो फॉलो करता हूँ पर्सनली अपने साइज ग्रोथ के लिए या फिर कह सकते हैं अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, जो कि बेसिक सा रीजन होता है आपकी ग्रोथ के लिए। किसी भी मसल की आपको इंटेंसिटी आपको अपनी इंक्रीज करनी होती है, आप कोई भी मसल ट्रेन करें, तो वही यार मैं बाइसेप्स के बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी बाइसेप्स ग्रो कर सकते हैं। वीडियो तो अभी मैं शेयर करने वाला हूँ एक बाइसेप का ऐसा सेट जो कि मैं हमेशा अपने वर्कआउट में ऐड करता हूँ, और मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है।
तो चलिए मैं उसको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले इसके कुछ वो बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है इससे पहले। तो जाहिर सी बात है, आप डायरेक्टली एसेट नहीं करेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ आपने पहले वार्म अप किया हो या फिर कह सकते हैं स्ट्रेचिंग वगैरह वो की हो, देन आपने कुछ ना कुछ सेट्स परफॉर्म कर लिए हो पहले ही। तो ऐसा नहीं है आपने वर्कआउट शुरू किया देन सडनली आपने ये सेट ऐड कर दिया। तो ये ट्राई करना है कि आपको सेट ऐड करना है कभी करीब वर्कआउट के बीच में, एंड एकदम एंड में नहीं करना और एकदम शुरू में नहीं करना। शुरू में इंजरीज के चांसेस रहते हैं एंड एंड में आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप इसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो या स्टार्टेड तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, एक ड्रॉप सेट परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये ड्रॉप सेट हम लोग परफॉर्म करेंगे रॉड से, जिसमें हम लोग को चाहिए होंगी कुछ प्लेट्स। तो प्लेट्स मेरे पास हैं 5-5 की 2 हैं एंड 2.5 kg की 2 हैं, यानी पेयर हैं ये सब के। तो ईस्ट साइड एक तरीके से हमारा होगा 15 kg वेट। सो या लेट्स स्टार्टेड। तो देखिएगा कैसे करना है। अमेजिंग सेट है ये, अगर आप प्रॉपर फॉर्म के साथ कर पाए और इतनी इंटेंसिटी आप पुश कर पाए तो आपकी पूरी सोरनेस यानी कह सकते हैं पूरा पंप काफी अच्छे से मिलता है इसमें। सो या डेफिनेटली आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, जरूरी नहीं है आप इतनी ही रेप्स के साथ ट्राई करें, इससे ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। आपकी इंटेंसिटी, आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे एक बार ट्राई जरूर करें अपने वर्कआउट में एंड जरूर ऐड करिएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो या वो आज वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड आई होप यू लाइक दिस स्मॉल वीडियो। और मुझे कमेंट बताइएगा कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर बनाऊंगा, या कोई भी स्पेसिफिक मसल के लिए या फिर डाइट प्लान से रिलेटेड, तो मैं उस टॉपिक पर बनाऊंगा। और शायद बहुत ही जल्द मैं एक डाइट प्लान भी शेयर करूंगा जो कि मैं फॉलो करता हूँ मसल बिल्डिंग के टाइम। सो या तो आप उसे बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो या और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है अंकित गौर फिटनेस।